हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम। सऊदी अरेबियन लीग का मैच हो रहा है अल शबाब वर्सेस अल इत्तेफाक के बीच 11:30 बजे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो लोग नए हैं उनके लिए लिंक नीचे डाला हुआ है। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बाकी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे ना बहुत ज़्यादा कि भाई हमें ज्वाइन कर दो, भाई हो जाओगे। मैं सुबह से ज़्यादा देर ऑनलाइन नहीं था क्योंकि मेरे को पता था शाम को मैच है, ठीक है। 8:30 से मैं ऑनलाइन हुआ तो मैं, आप हो जाओगे 11:15 से पहले ऐड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। मैं ऐसा कोई स्कैम वैम नहीं करता, ठीक है। अभी ऐड हो जाओगे जिन्होंने भी भेज दिए थे स्क्रीनशॉट, तो सो डोंट वरी। तो आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलशबाब और ETT का जो मैच है, ये मैच में आपको एक मुश्किल क्या आने वाली है। ये दोनों टीम्स की रैंकिंग पोजीशन देखोगे तो ETT अच्छी है, लेकिन अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो अलशबाब अच्छी है, और दोनों की फॉर्म देखोगे तो दोनों ही बकवास हैं। दोनों की करंट फॉर्म की बैंड बजी हुई है। ETT मैच कॉन्टीन्यूसली हार रही है और अलशबाब टीम कॉन्टीन्यूसली हार रही है। ये दोनों टीम्स का एक में किसी एक का जीतना बहुत मुश्किल है। इधर अगर दोनों तरफ से गोल होंगे तो कहीं जाकर हम जीत पाएंगे। आज सारे मैचेस अच्छे हैं दिखने में, जैकपॉट है, लेकिन ये मैच थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा हिम्मत मत हारो, खेलो खुले दिल से, हार हो जीतो बाद में डिसाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चार प्लेयर इनके बहुत मेन है, एक एम डेम्बल, वी विनिकस, डी ग्रे एंड आर क्वेश्चन। इन चार में से कोई तीन खेलते दिख सकते हैं। डेम्बल इंजर्ड चल रहा है तो डेम्बल शायद ना खेले। हाँ, विनिकस की भी इंजरी थी, इसका भी नाम चल रहा था, तो ये चार प्लेयर तो रह गए दो। तो इन दो में से जैसे डी ग्रे को आपने ज़रूर लेना है। उसके बाद दूसरा प्लेयर जो आपका है ETT का, जिसका नाम है रॉबिन क्वेश्चन, इसको लेना है क्योंकि ये एक पेनल्टी टेकर है। जबकि आप एम एल कोवेपकी को नहीं लोगे तो एक बार जीत जाओगे, लेकिन अगर आप डी ग्रे या आर क्वेश्चन में से किसी एक को छोड़ते हो तो आपको रिस्क है। उसके बाद ए हदीर अदीफ बहुत वीक प्लेयर है सी अल्बर्टो जूनियर के आगे, सो मैं आपको प्रेफर करूंगा अल्बर्टो जूनियर, क्योंकि डियालो भी बहुत दिनों से फॉर्म में है नहीं, और डियालो तो पीछे इंजर्ड भी था, तो पिछले इसने कई मैचेस बीच में मिस भी किए थे, तो वो मिस आउट हुए। लेकिन उसमें मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाता, तो डियालो अल्बर्टो में से कोई एक छाटना या तो, ये तो रिस्क है क्योंकि आपको ये आपकी किस्मत पे बात आ जाएगी कि अगर आप डियालो लेते हो गोल करेगा कि नहीं, आप अल्बर्टो लेते हो गोल करेगा कि नहीं, तो ये तो मुश्किल है। तो अभी आप अल्बर्टो को लो। और मिडफील्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पर ETT ये जो है जॉर्जिनो विजनाल्डम जो प्लेयर है, ऑलमोस्ट अभी तक ETT का सबसे बेस्ट प्लेयर चल रहा है। जब इसने अलवेदा को गोल किया था उस मैच में भी मैंने बोला था गोल करेगा, ITT को भी इसने गोल कर दिया, ले रखा था सबने, मैंने कहा नहीं था गोल करेगा लेकिन लग रहा था। उसके बाद आज मैं बोलूँ तो आज तो इससे बेटर कोई प्लेयर दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आप सब जानते हैं ये दोनों स्ट्राइकर बहुत लिमिटेशंस में चल रहे हैं, ठीक है। एक जो लिमिट के बाहर चल रहा है प्लेयर वो है इनका मिडफील्डर जॉर्जिनो, तो जॉर्जिनो को आज मत छोड़ना। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करूँ, जी क्यूलर पॉइंट बहुत देता है भाई, आप एवर बैनेगा के पीछे ही पड़े रहोगे और यहाँ आपकी गेम निकल जाएगी, इसलिए जी क्यूलर को लो। अगला है वाई क्रेस्को के बाद जे एंडरसन लेना है, आप ले सकते हो क्योंकि हैंडरसन अच्छा है, लेना है तो, क्योंकि ए हजाजी वगैरह ये कभी कभी चलते हैं, नॉट हमेशा नहीं चलते। तो मेरे को तो देखो जे एंडरसन से कुछ खास वो नहीं है एक्सपेक्टेशन, जिन्होंने लेना ले लो, मैं नहीं ले रहा। मैं तो देखो डिफेंडिंग में एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं अलशबाब का एक डिफेंडर उठाऊंगा जिसका नाम है RCS। अगले तीन डिफेंडर मेरे जो होंगे वो होंगे ETT टीम के, पहला है खातिब, ठीक है। खातिब के बाद एर अल ओतेब को यहाँ पर मैं अगर खेलता देखूंगा तो लूंगा, अभी तो काफ़ी दिन से पता नहीं क्या हुआ है उसको, तो मैं मार्शल टिस्टेंट को उसकी जगह ले रहा हूँ। उसके बाद हेनरी और एच एल शेमरानी में से एक खेलेगा, अभी आप हेनरी को सेव कर लो। बाकी हेनरी को मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो अगर आप हेनरी की जगह भी हैंडरसन लेना चाहते हो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हेनरी जहाँ आपको पूरे टाइम डिफेंडिंग करके विदाउट क्लीन शीट 20 पॉइंट देगा, वहीं हैंडरसन आपको बिना कुछ करे 30 पॉइंट आराम से दे देगा, तो हैंडरसन बनता है यहाँ पे। एंड गोलकीपिंग की बात करें तो KCNGU को लूँगा, क्योंकि अगर मैं विक्टर लेता हूँ तो मेरी टीम डबल साइड नहीं रहेगी, मुझे डबल साइड बनानी है। तो बात करें कप्तान की, कप्तान है रॉबिन क्वेस्टन, वाइस कप्तान है जॉर्जिनो। डी ग्रे को इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि पहले भी इसके साथ बहुत मेरे को ट्रस्ट नहीं होता था, मैं इसके साथ ही जाऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।